रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो पावर बीआई के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में आज हम 100% जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है वो हम कवर करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो पावर बीआई के इंटरव्यू है उसमें मतलब किन चीज़ों पर क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो पावर बीआई टूल पे, जिसमें 50% कंट्रीब्यूशन उसका होता है। एसक्यूएल जो लैंग्वेज है उस पर 30-40% क्वेश्चंस होते हैं, और डेटा के कंसेप्ट्स जो है लाइक डेटा वेयरहाउसिंग एंड ऑल, उस पर 10-15% ऑफ कंट्रीब्यूशन आपके इंटरव्यू में होता है। दोनों टेक्निकल राउंड्स, सिनेरियो बेस्ड राउंड का मैं मतलब बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पहले तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकॉन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करो एंड लाइक भी करो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। डेटा के जो कंसेप्ट्स हैं, कभी भी मोस्टली जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो डेटा के कंसेप्ट से ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो इसमें टोटल मैंने 35 क्वेश्चंस बनाए जो डेटा के कंसेप्ट्स 10 हैं। एसक्यूएल देखो, यहाँ पे एसक्यूएल के 10 हैं और पावर बीआई के 15 बनाए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद डेटा कॉन्सेप्ट्स। पहला तो क्वेश्चन है ओएलटीपी वर्सेस ओएलएपी। ये 100% आएगा आपको, फर्स्ट टेक्निकल राउंड में आएगा, नहीं तो सेकंड टेक्निकल में भी तो आएगा। तो उसमें आप प्रॉपरली बताओ, उसका फुल फॉर्म वगैरह बताओ, उसमें मतलब कैसा होता है, क्या एवरीथिंग डेटाबेस से कैसा लेते हैं वगैरह सब। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स जो है, तो उसके जो तीन टाइप्स है उसमें वैसे बहुत टाइप्स है, बट आप सिर्फ दो तीन भी बताए तो भी चलेगा। और नॉर्मलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, रिडंडेंसी वगैरह हम जो इसमें निकालते हैं, अगर एक टेबल हमें आया तो उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं, ब्रेक वगैरह करते हैं, वो आप बता सकते हो। देन स्लोली चेंजिंग डायमेंशन इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। उसके जो तीन टाइप्स है और स्लोली चेंजिंग डायमेंशन की जो कंसेप्ट है, जब मतलब डेटा आता है तब उसमें जो इंसर्ट वगैरह होता है तो कुछ कुछ सब चेंजेस वगैरह होते हैं उसमें, तो वो आपको बताना है उसमें प्रॉपरली स्लोली चेंजिंग डायमेंशन में। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। देन टाइप्स ऑफ फैक्ट्स एंड डायमेंशन। तो डायमेंशन में देखो, टाइप्स में स्लोली चेंजिंग डायमेंशन है, रैपिडली चेंजिंग डायमेंशन है, जंग डायमेंशन है, ऐसे जो डायमेंशन के टाइप्स है, या फिर फैक्ट्स में एडिटिव फैक्ट, सेमी एडिटिव फैक्ट, ऐसे जो वो आप बता सकते हो उसमें। देन फिफ्थ है टाइप्स ऑफ कीज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राइमरी की, फॉरेन की एंड यूनिक की, ये आपको बताना है। आपको एग्जांपल भी पूछ सकते हैं कि हाँ बताओ प्राइमरी की का एक एग्जांपल, तो आप बता सकते हो। इस पर मैंने पुराने वाले वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। तो टाइप्स ऑफ कीज में आपको वो बताना है। फिर मोस्टली ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर 1-to-many कार्डिनलिटी तो देन प्राइमरी की कहाँ पर होगी, तो डायमेंशन में होगी, डायमेंशन टेबल में। फॉरेन की कहाँ पे होगी, तो फैक्ट टेबल में होगी। यूनिक की में कितने नल वैल्यू होते हैं, तो ऐसा एक नल वैल्यू, तो वैसे पूछेंगे। देन टाइप्स ऑफ टेबल्स में डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल को मैपिंग टेबल और लुकअप टेबल भी बोलते हैं, फैक्ट टेबल को मास्टर टेबल और डेटा टेबल भी बोलते हैं। देन रिपोर्टिंग टेबल एक थर्ड पार्ट होता है, तो आपको टेबल्स के बारे में भी पूछ सकते हैं वगैरह। फिर फैक्ट टेबल में क्या होता है, बिजनेस नंबर्स वगैरह होते हैं लाइक सेल्स, रेवेन्यू, एवरीथिंग। ठीक है, देन डायमेंशन टेबल में क्या होता है, फिर बात आई व्हाट इज ईटीएल। तो ईटीएल की जो टोटल कंसेप्ट है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, जो पावर बीआई में आप करते हो, तो वो आपको प्रॉपरली बताना है। या फिर ईटीएल की टोटल कंसेप्ट डेटा रिलेटेड जो है वो अगर आपने बताई, डेटा इंजेक्शन वगैरह ये कुछ एडवांस कंसेप्ट है, वो भी अगर आपने डेटा प्रोसेसिंग वगैरह, डेटा इंजीनियर के काम, वो अगर आपको पता है, वो भी अगर आपने बताया डेटा आर्किटेक्चर रिलेटेड, फिर भी ठीक है। बट जो पावर बीआई में हम करते हैं, बेसिक लेवल पे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, देन लोड करते हैं, वो भी बताया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ एनालिसिस में देखो 4 से 5 टाइप है, बट एज अ पावर बीआई डेवलपर आपको सिर्फ 2 ही लगते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव, तो वो आपको प्रॉपरली बताना है। आपको अगर कॉग्निटिव और प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव डिफरेंट एंड प्रिस्क्रिप्टिव डिफरेंट, अगर वो भी प्रॉपरली चारों पता होगे तो वो भी आप बता सकते हैं। देन रिलेशनल डेटाबेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब डेटा स्टार्ट में जनरेट होता है तो मोस्टली वो अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, यानी कि नॉन रिलेशनल,
अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, नॉन रिलेशनल, देन उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं, लाइक इन टेबल फॉर्म्स, इन कॉलम्स एंड रोज। तो वो आपको प्रॉपरली वहां पे बताना है। देन डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा लेक, डेटा लेक में रॉ डेटा वगैरह होता है। डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में आपको जो जो सब चीजें, जहां पर मिलियन ट्रिलियन बिलियंस में डेटा को रखा जाता है, जो वेयर हाउसिंग वगैरह जो कंसेप्ट है आपको प्रॉपरली बताने हैं। ये जो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे डेटा कॉन्सेप्ट्स के इंटरव्यू में, इसके लिए आपको सिर्फ 1 मिनट दिया जाएगा, क्योंकि उनको सिर्फ 30 मिनट्स होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और थोड़ा आपको सिर्फ 1 मिनट में कवर करना है। तो आपको अगर ये जो क्वेश्चन है इसके तीन चार पॉइंट भी पता होगे, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट फर्स्ट टेक्निकल राउंड की बात कर रहा हूँ। लेट्स नाउ मूव टू द सेकेंड स्लाइड, दैट इज एसक्यूएल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें देखो 100% में ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फर्स्ट तो है डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट, ये तो मैं गारंटी देता हूँ आपको। पहला दूसरा क्वेश्चन तो यही आता है इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो आपको बताना है ट्रंकेट में पूरा डेटा निकल जाता है, ड्रॉप में टोटली टेबल वैनिश होता है, डिलीट में आप एक रो को निकाल सकते हो ऑन बेसिस ऑफ आईडी नेम जो भी है। देन फिर ये थर्ड हाइएस्ट, फिफ्थ हाइएस्ट सैलरीज, मार्क वगैरह जो है सब क्वेरी की हेल्प से आप निकालते हैं, वो आपको बताना है। डिफरेंस बिटवीन यूनियन यूनियन ऑल, सेट ऑपरेटर्स जो है उसमें इंटरसेट भी पूछ सकते हैं, एक्सेप्ट भी पूछ सकते हैं, बट मोस्टली यूनियन यूनियन ऑल। तो यूनियन में डुप्लीकेट्स निकल जाते हैं, यूनियन ऑल में पूरा दिखाता है उसके प्री रिक्विजिट रूल्स से, जैसे कि नंबर ऑफ कॉलम्स, डेटा टाइप शुड बी सेम, तब वो प्रॉपरली वर्क होता है। टेम्परेरी टेबल में आपको लोकल और ग्लोबल टेबल बताना है आपको, एक हैशटैग दो हैशटैग से बनाते हैं। ये देखो, ये पांचवा क्वेश्चन तो पूछेगी स्टोर प्रोसीजर, ये इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर स्टोर प्रोसीजर में सिक्योरिटी कैसा पास करते हैं, क्रिएट कैसा करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर एज बिगिन देन क्वेरी देन एंड, फिर वो अगर आपको देखना है तो sp/helptech से देखोगे आप। देन फिर ये सब बातें हैं, उसको हम अल्टर भी कर सकते हैं, व्यू की बात है, व्यू प्राइवेसी के लिए होता है, वर्चुअल टेबल क्रिएट होता है उसमें, चाइल्ड पेरेंट टेबल होता है, जो जैसे चीज है सब आप प्रॉपरली व्यू के बारे में बताओ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बना है खास करके जिन्होंने पावर बीआई सीखा वगैरह है, और या फिर इंटरव्यू के प्रोसेस में, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट फास्ट इसके पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ। ओके, फिर इंडेक्सिंग की बात आई, इट्स टाइप्स एंड यूज ऑफ इट। इंडेक्सिंग आपको पता होगा, मतलब फास्ट डेटा रिट्रीवल के लिए यूज वगैरह किया जाता है। फिर क्रिएट इंडेक्स से वो बनाया जाता है, जिस भी कॉलम पे वगैरह बनाएंगे फिर वो थोड़ा फास्ट डेटा पुल वगैरह करेगा, ऐसे सब बात है। इंडेक्सिंग एक इंपॉर्टेंट है। सबसेट्स इन एसक्यूएल, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल कमांड, ये भी आपको पूछेंगे ही, मतलब ये स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है, डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट, सबसेट्स इन एसक्यूएल वगैरह, फिर आपको प्रॉपरली बताना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना डीडीएल डीएमएल डीक्यूएल में। फिर जो डीसीएल और टीसीएल है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, आपने अगर वो भी बताया ना कोई बात नहीं है, उससे थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा इंटरव्यूअर पे, क्योंकि या दिस गाय हैज, दिस स्टूडेंट हैज सम एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, तो आपको बताना है। रैंकिंग में देखो, आपको डेंस रैंक, रैंक और रो नंबर पूछेंगे, आपको ऐसा एक सिनेरियो देंगे कि ऐसे सैलरी वगैरह देंगे 10,000, 8,000, 8,000 तीन बार रिपीट करेंगे, फिर 7,000, 6,000 दो बार रिपीट करेंगे, देन 5,000, फिर आपको बोलेंगे इसका डेंस रैंक और रैंक बताओ, ऐसे बोलते हैं। देन फिर देखो, ये जो 9th पॉइंट है ना, क्रॉस ज्वाइन का मैं पहले बताता हूँ। क्रॉस ज्वाइन में ऐसे पूछेंगे कि देर वर टू टेबल्स, पहले टेबल में 5 रो है, दूसरे टेबल में 3 रो है, तो उसका रिजल्ट क्या है, तो उसका रिजल्ट 15 है, 5 3 15। फिर लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन के लिए ऐसे टेबल 1 टेबल 2 आपको लिख के देंगे आपके टीम्स या गूगल चैट में, और बोलेंगे इसका रिजल्ट क्या है, फिर आपको बताना है वो सब मैच करके। फिर कंस्ट्रेंट्स एंड इम्पोर्टेंट, जो 5-6 कंस्ट्रेंट्स है, जैसे कि नॉट नल, यूनिक, चेक वगैरह है, आइडेंटिटी एक है और डिफॉल्ट एक है, ऐसे 5-6 कंस्ट्रेंट जो है वो आपको प्रॉपरली आपको बताने हैं। तो ये हो गया डेटा के कंसेप्ट से, उसके 100% पूछने वाले क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड टेक्निकल राउंड में। एसक्यूएल का भी हो गया, एंड नाउ लेट्स मूव टू द पावर बीआई स्टूडेंट्स। पहला तो देखो, इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज रो कॉन्टेक्स्ट, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। अगर यही बताने नहीं आएगा तो वो तुरंत समझ जाएगा कि इसका जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत ही कच्चा है। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली बताना है। रो कॉन्टेक्स्ट रो वाइज वर्क होता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कॉलम वाइज वगैरह।
देन डिफरेंस बिटवीन सम सम एक्स, ये एक इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, या फिर मीन मीन एक्स, रैंक रैंक एक्स, बट मोस्टली सम एंड सम एक्स का डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये आपको प्रॉपरली बताना है। एक्स के जो भी फंक्शन है, सम एक्स, मीन एक्स, रैंक एक्स वगैरह, ये इटरेटर फंक्शन है जो रो वाइज वर्क करेंगे, जो कि रो कॉन्टेक्स्ट है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड मर्ज। ये देखो ये पावर क्वेरी के कंसेप्ट है, ये तो पूछेंगे ही। अपेंड मतलब यूनियन ऑल ही होता है ऑफ एसक्यूएल, और मर्ज मतलब ज्वाइंट्स ऑफ एसक्यूएल। तो ये एक इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। डुप्लीकेट एंड रेफरेंस ये भी पूछेंगे, क्योंकि जब एक ही टेबल आता है डीनॉर्मलाइज टेबल उस सिचुएशन में, तब हमको उसको ब्रेक करना पड़ता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। तो मोस्टली हम रेफरेंस के थ्रू करते हैं, वी अवॉइड डुप्लीकेट बिकॉज देर आर वेरियस मल्टीपल रीजन्स फॉर इट। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है उसका, ठीक है। डुप्लीकेट का सोर्स OLAP सर्वर होता है, रेफरेंस का वही पे पावर क्वेरी पे बन जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वजह से डुप्लीकेट थोड़ा उसका पाथ लेंथ बहुत है, या उसके वजह से जो पब्लिश के टाइम, डिप्लॉयमेंट के टाइम, रिफ्रेश के टाइम बहुत टाइम लेता है। ये परफॉर्मेंस वाइज बेटर पावर BI की फाइल बनाने का सबसे अच्छा एक चीज़ है कि रेफरेंस हम यूज करते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फिल्टर, उसमें देन विजुअल लेवल फिल्टर, पेज लेवल, रिपोर्ट लेवल, ये आपको पता होगा और ये आना चाहिए आपको। विजुअल लेवल फिल्टर मतलब टॉप एन जो फंक्शन होता है, जो SQL में भी है और यहाँ पर भी होता है पावर BI में, अगर कुछ है टोटल सेल्स वगैरह उसमें, फॉर एग्जाम्पल टोटल सेल्स वगैरह, तो जो नंबर वन कस्टमर है, नंबर वन एम्प्लॉय है, नंबर वन स्टेट है, उस पर आपको दिखाना होता है एक टाइल में, एक विजुअल में, ठीक है। तो ये आपको टाइप्स ऑफ फिल्टर पता होना चाहिए। मॉडलिंग के कोर कंसेप्ट में ना देखो, रिलेशनशिप तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली, एक्टिव इनएक्टिव रिलेशनशिप, फिर दो टेबल में एक ही एक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव मल्टीपल हो सकते हैं, देन फिर वन टू मेनी क्या होता है वो, फिर फिल्टर डायरेक्शन क्यू वगैरह, ऐसे सब जो बातें हैं वो मॉडलिंग कोर कंसेप्ट है। या फिर जब हम डेटा फेच करते हैं कनेक्टिविटी मोड्स, हाँ यहाँ पर देखो दो क्वेश्चंस मैं भूल गया, आई एम रियली सॉरी। एक तो कनेक्टिविटी मोड्स का और टाइप्स ऑफ स्कीमा का, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं भूल गया, तो बता देता हूँ। वो कनेक्टिविटी मोड्स में इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट क्वेरी या लाइव कनेक्शन, ये एक पूछेंगे, और टाइप्स ऑफ स्कीमा में स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, गैलेक्सी स्कीमा, ठीक है, तो ये एक पूछेगी, इसमें आप दो क्वेश्चन ऐड कर दें, आई एम रियली सॉरी। सातवां क्वेश्चन है टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फंक्शन। तो टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फंक्शन में आपको पता है टोटल MTD, टोटल YTD वगैरह, डेट्स MTD, डेट्स इन पीरियड वगैरह, डेट ऐड वगैरह, सेम पीरियड लास्ट ईयर, ये जो सब चीज़ें हैं टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फंक्शन वो पूछेंगे। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आज की डेट 19 नवंबर है, देन वॉट इज MTD, QTD, YTD वगैरह, ये सब चीज़, तो आपको डेट्स बतानी है वो कब से कब स्टार्ट होगा। जैसे MTD में 1 नवंबर से 19 नवंबर, QTD में 1 अक्टूबर से 19 नवंबर, और YTD में 1 जनवरी टू 19 नवंबर। देन बुक मार्क्स और यूज ऑफ इट, ये तो 100% पूछेगे। बुक मार्क तो इंटरव्यू का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, और मोस्टली सिनेरियो बेस्ड राउंड में पूछेंगे, फर्स्ट टेक्निकल में नहीं पूछेंगे। रो लेवल सिक्योरिटी, ये भी सिनेरियो बेस्ड राउंड में पूछेंगे, फर्स्ट टेक्निकल राउंड में नहीं पूछेंगे, सेकंड टेक्निकल में पूछते हैं। तो रो लेवल सिक्योरिटी आपको जो डायनेमिक स्टैटिक वगैरह है वो आपको बताना है उसमें, देन फिर ईमेल में डोमेन नेम वगैरह सब चीज़ें सेम वगैरह होना चाहिए, ये एक बात है। दसवां क्वेश्चन है, और रो लेवल सिक्योरिटी में वो दो डैक्स है, यूजर नेम, यूजर प्रिंसिपल नेम, वो एक, देन अप्लाई सिक्योरिटी एट बोथ साइड वगैरह, ये सब रो लेवल सिक्योरिटी की बातें हैं। देन डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेट कॉलम एंड मेजर, CC वर्सेस मेजर। तो CC में देखो एक कॉलम बढ़ता है, मेजर में नहीं बढ़ता, CC में फाइल की साइज बढ़ती है, मेजर में नहीं बढ़ती, देन अगेन परफॉर्मेंस वाइज का बात आता है, ठीक है। फोर रोल्स इन पावर BI सर्विस, ओके, फोर रोल्स इन पावर BI सर्विस। तो एडमिन मेंबर, देखो 11th पॉइंट ये, एडमिन मेंबर कंट्रीब्यूटर व्यूअर, आपके क्लाइंट को तो व्यूअर का एक्सेस होता है, और आपके जो बहुत ही हायर अथॉरिटी के मैनेजर होते हैं उनका एडमिन का होता है। एज अ पावर BI डेवलपर यू विल ऑलवेज हैव वेदर मेंबर और कंट्रीब्यूटर, और उसमें भी दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, प्रो और प्रीमियम, जो कि प्रो में 1 GB तक फाइल हम डाल सकते हैं, प्रीमियम में 10 GB तक होती है, प्रो में स्टोरेज 10 GB है, प्रीमियम में अबाउट 100 GB है, और प्रो में रिफ्रेश 8 टाइम्स होता है, प्रीमियम में 48 टाइम्स होता है,
प्रो की प्राइस जो $10 थी अभी 13.7 हुई है, 13.7। प्रीमियम की तो बहुत बड़ी है, 5,000 है, वो ऑर्गेनाइजेशनल के लिए यूज होता है। $2,000 टू $5,000 के बीच में वैरी होती है प्रीमियम की, ठीक है। वर्क स्पेस एंड ऐप का जो सब बात है, वर्क स्पेस की सेटिंग वगैरह ये सब चीज़ें देखो, उसमें जब पब्लिश करते हैं हम, तब डेटा सेट और रिपोर्ट ऐसे दो चीज़ें बनती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्विक इंसाइट वगैरह, इमेज वगैरह, ये सब्सक्रिप्शन वगैरह, ये सब चीज़ें, ये चीज़ आप सब देख सकते हो, ऐप हम क्यों यूज करते हैं वगैरह ये सब। और कुछ डैक्स में पूछेंगे, कैलकुलेट पूछते हैं, समराइज पूछते हैं, रिलेटेड एक पूछते हैं, और ऑल जो है, ऑल ऑल सिलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट, ये जो ऑल के तीन है वो एक पूछते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट, फिल्टर मॉडिफायर है, समराइज इज लाइक ग्रुप बाय ओनली, उसमें सम एवरेज वगैरह हम सब कर सकते हैं प्रॉपरली। न्यू टेबल डिराइव होता है, उसको टेबल डैक्स फंक्शन भी बोलते हैं। रिलेटेड में एक टेबल से दूसरे टेबल में कॉलम लेके जा सकते हैं। ऑल डैक्स फंक्शन इज ऑल अबाउट फिल्टर्स, फिल्टर रिमूव करना, एक ही कॉलम पे अप्लाई करना, ऐसे सब चीजें। शेड्यूल रिफ्रेश मैंने बताया आपको, टाइम लगा के रिफ्रेश लगा देते हैं। अगेन प्रो में 8 टाइम्स, प्रीमियम में 48 टाइम्स। गेटवे कनेक्ट करता है, मिडल एजेंट का टाइप होता है, आपके ऑन प्रेमाइसेस विद ये सब चीजें हैं, ऑन प्रेमाइसेस विद आपका जो ये है उसको वो कनेक्ट करता है पावर बीआई सर्विस को। फिर जो न्यू डेटा वगैरह इंक्रीमेंटल डेटा आता है उसको आप टोटली प्रॉपरली फेच कर सकते हैं, ठीक है। और डेटा प्रोफाइलिंग, ये पावर क्वेरी की कंसेप्ट है, इसमें देखो व्यू रिबन में होती है डेटा कॉलम क्वालिटी, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉलम प्रोफाइल, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली बताना है, कॉलम क्वालिटी कॉलम की हेल्थ के बारे में बताता है, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज डिस्टिंक्ट यूनिक, उसमें प्रॉपरली डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यूज दिखाते हैं जो आपको एसक्यूएल में भी होता है, एंड कॉलम प्रोफाइल में मीन मैक्स एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब बातें होती है पावर क्वेरी में, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें दो क्वेश्चन मैं भूल गया, आई एम रियली सॉरी अगेन। कनेक्टिविटी मोड्स, इंपोर्ट मोड, डेटा मोड, इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट मोड और लाइव कनेक्शन। और दूसरा एक क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ स्कीमा, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक्स स्कीमा एंड गैलेक्सी स्कीमा। तो हम स्टार स्कीमा यूज करते हैं, गैलेक्सी स्कीमा अवॉइड करते हैं। गैलेक्सी स्कीमा में बहुत टेबल्स भी होते हैं और फैक्ट टेबल ज्वाइन होते हैं, और स्टार स्कीमा बहुत अच्छा होता है परफॉर्मेंस के लिए। स्नोफ्लेक ऑल्सो वी कैन यूज। और कनेक्टिविटी मोड्स में इंपोर्ट मोड से हम डेटा मोस्टली लेते हैं, डायरेक्ट क्वेरी में डेटा व्यू में दिखता नहीं है, टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फंक्शन में लोड होने में प्रॉब्लम देता है, पावर बीआई सर्विस में क्विक इनसाइट्स भी नहीं दिखते उसमें, ये बहुत प्रॉब्लम है डायरेक्ट क्वेरी का, इस वजह से इंपोर्ट मोड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये देखो कुछ 35 क्वेश्चंस थे जो 100% आपको पूछे गए इंटरव्यू में, और अगर ये 35 भी क्वेश्चंस आप करके गए तो आपका इंटरव्यू क्रैक होगा, ये मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है उन तक ये वीडियो शेयर करो, प्लीज पहुंचाओ, उनको बहुत हेल्प होगा। एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू गाइस।